为什么？आई विश आप जहाँ पे भी हो जैसे भी अच्छा ही कर रहे हो एज वेल एज आप सेफ हो। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बिलो 700 के प्राइस में ये लाइट हम बुलेट में कैसे लगा सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप इस बुलेट की लाइट्स को खरीदना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आराम से जाके आप खरीद सकते हो। अगर आप वैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में सर्च करना चाहते हो तो यू कैन टाइप बुलेट वी लाइट्स, वहाँ आपको बहुत सारी वैरायटी की लाइट्स मिल जाएंगी 700,000 रुपीज़ की। बट इतनी मेहनत क्यों, 400-500 वाली लाइट का मैंने लिंक दे रखा है नीचे, जाओ टैप करो एंड देख लो। एंड अभी आकाश नीचे खड़ा है, चलो आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे। तो जो सामने वाला पार्ट है वो तो यहाँ पे हम लाइट चिपका देंगे, बट यहाँ पीछे में कहीं पे हमें दिख नहीं रहा था कि कहाँ पे हम चिपकाएं। एक्चुअली कोई जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पे व्हील आ गया, तो हम सोच रहे हैं कि इस पॉइंट पे, दैट पॉइंट, ओके, यहाँ पे हम इसको ये पत्ती बनवा रहे हैं, राउंड करके वेल्ड करवा देंगे। ऑलमोस्ट डन। ये जो चीज़ है ना, हाँ, ये चीज़ खुलेगा एंड उसके बाद इसी के ऊपर ही हम लोग वेल्डिंग करेंगे। रिंग बनानी दे दी एंड मीनवाइल रिंग बन रही है, तो हमने डिसाइड किया कि अभी हम जाएंगे मार्केट, जितनी भी स्विचेस है, जो भी है वायर्स एंड ऑल, वो सब ले लेते हैं। तब तक हो जाएगा लंच आवर एंड लंच आवर के बाद हम 3:30-4 बजे तक फिर से जाएंगे लेथ, रिंग लेंगे एंड 4 बजे तक 5 बजे तक होपफुली अंधेरा होने तक फिक्स हो जाएगा सब कुछ। एकदम मजबूत है पत्ती, हमने यहाँ पे वेल्ड करा ली, आप देख सक रहे हो प्रॉपरली, एंड इस जगह पे इसकी वायरिंग हो जाएगी। सो सारा कुछ रेडी है, यहाँ पे टाइम लैप्स होगा, वहाँ पे बाइक खड़ा है एंड दिखा देते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले ये पत्ती है, किस चीज़ के लिए आपको दिखाई देते हैं अभी जाके, बिकॉज हम इस पॉइंट पे इसको काटेंगे एंड यहाँ पे फिक्स कर देंगे स्विच को। एंड इस स्विच को आप बोल सकते हो 3-way switch, इस साइड को भी जाती है, इसमें शायद से मैं रेड लाइट जो बोल रहे हैं वो रख देंगे एंड इस साइड में वाइट लाइट हो जाएगी एंड बीच में ऑफ हो जाएगा। एंड वायर्स हो गई हैं शायद से 2-3 गज वायर्स हैं, ब्लैक टेप हैं एंड लाइट तो हो ही गई है। सो अभी वहाँ पे एक्चुअली कैसे कनेक्शन करना है लाइट्स का, इन सबको कैसे लगाना है, आओ ऊपर आओ समझाता हूँ नोटबुक पे। सो दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज रियर व्हील, दिस इज अ 3-way switch, 1, 2। सो सबसे पहले जो ब्लैक वायर्स हैं इनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि ये हो गई हैं अर्थ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये रेड यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे जाएगी, इस स्विच पे जाएगी, अटैच होगी एंड द सेम दिस रेड यहाँ पे जाएगी, सेम जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगी। येल्लो यहाँ से निकलेगी एंड आफ्टर दिस येल्लो जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगी। एंड ये जो है जहाँ पर भी स्विच ऑफ रहेगी, दिस पॉइंट निकल के जाएगा आपके
बुलेट के हेड में, जो कि होगा आपका इग्निशन पॉइंट। समझ गए? चलो आओ अभी नीचे चलो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लाइट चिपकाएगा वहां पे? नहीं, या पहले वायरिंग करेंगे? पहले वायरिंग करोगे? पहले वायरिंग। चलो पहले वायरिंग ही कर देते हैं। तो गाइस स्विच लग चुकी है एंड नीचे से कनेक्शन भी ऑलमोस्ट डन है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने बीच वाला समझाया था, यहाँ से निकल के जो इग्निशन पॉइंट पे जाएगी वो वाला कनेक्शन हम फर्स्ट करें, क्योंकि हम ऐसे ही पहले रफली लाइट्स लगा के टेस्ट करके देखेंगे, फिर यहाँ पे फिट करेंगे। सो आकाश ने अभी हेडलाइट खोल लिया है एंड हम आपको तो बताते हैं एक्चुअली कौन से प्लग में कनेक्शन देना है। सो इस पॉइंट से इग्निशन वाले पॉइंट पर तार निकल रही है एंड जाकर ब्लू वाली देख सक रहे हो यहाँ पे घुस गई है। सो गाइस काम 60% डन हो चुका है, यहाँ पे लाइट लग चुकी है एंड इसकी वायर हमने या ये वाली देख रहे होंगे आप, यहाँ से लेकर इसके अंदर अंदर से लेकर जाएंगे लाइक दैट यहाँ पे आएंगे। तो भाई इसी के साथ हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। जो फ्रंट लाइट है उसकी हमने अर्थिंग यहाँ पे दी है एंड अंदर से कनेक्शन स्विच तक लेकर आए हैं एंड जो रियर वाले व्हील की लाइट है उसकी अर्थिंग हमने दी है राइट देयर यहाँ पे एंड अंदर से अगेन उस पॉइंट पे जा रही है। हंस रहा है। कुछ लास्ट टचेस मिल रहे हैं गाड़ी को, ये जो जितनी भी वायर्स थी इनको छुपाया जा रहा है ब्लैक टेपिंग करके एंड एवरीथिंग इज़ ऑन टॉप नॉच। पता चल रहा है कहाँ पे कहाँ से कौन सी वायर्स जा रही है? थोड़ा अंधेरा होने दो आधे एक घंटे बाद एंड आफ्टर दैट शो टाइम। रियर व्हील में जो हमने पत्ती लगाई थी फॉर द लाइट, उस चीज़ की अगर हम बात करें, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, एग्जैक्ट साइजेस नहीं मिल रहे, सो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, आप मेरे को वहाँ जाके डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे एग्जैक्ट डायमीटर क्या है एंड जो पत्ती लगाई थी उसकी चौड़ाई कितनी है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। ऊपर शॉकर भी आ रहा था, अगर आप उसको ज़्यादा बड़ी कर दोगे तो शॉकर में प्रॉब्लम आएगी, आप चेन स्पोकर में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो या आप जाके इंस्टाग्राम में मेरे को पूछ सकते हो क्या है, क्या प्रॉब्लम है एंड अगर आपको मिल ही नहीं रही कहीं से, सो इवन आई कैन कूरियर यू। सो या डीएम करो, सो वी कैन टॉक।